ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला 18 से 22 जून के बीच इंग्लैंड के साउथैम्पटन मैदान पर खेला जाएगा। ये मुकाबला नहीं जनाब, महामुकाबला है। और इस महामुकाबले से पहले आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जहां न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराने में सक्षम रही और इसका नुकसान भारतीय क्रिकेट टीम को हुआ। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में नंबर 2 पर खिसक चुकी है भारतीय क्रिकेट टीम और पहले पायदान पर आ गई है न्यूजीलैंड। कड़ा मुकाबला होगा फाइनल का। वैसे गौर करने वाली बात या मजेदार बात ये भी है कि अपनी सरजमी पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड से हार गई और इसके बावजूद भी वो भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर ऐसे बयान दे रही हैं जिसे सुनकर हर भारतीय हैरान है। इंग्लैंड के इस दिग्गज ने कहा कि इंग्लैंड के बाद अब भारत की बारी है, न्यूजीलैंड खेमा बहुत ही पलड़ा भारी है। अगर किस तरह से चेतावनी दी और भारत की हार को लेकर किस तरह से भविष्यवाणी करी है, इसके पीछे की वजह जो बताई है वो हर किसी को हैरान कर रही है। आखिर इंग्लैंड भारत के बारे में क्या बोल रहा है इस फाइनल मुकाबले को लेकर, आइए जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं। खैर, किस तरह से इंग्लैंड ने भारत के हार की भविष्यवाणी करी और भी बहुत कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि तमाम क्रिकेट दिग्गज ये बताते हैं कि इस मुकाबले में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी रहने वाला है। इसकी पहली वजह तो बताते हैं कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड को हराने में सक्षम रही, उसी के मैदान पर तो भारत के सामने वो चुनौतियां पेश कर सकती है। दो पर मौसम भी आता है, बारिश का मौसम रहेगा, गेंदें ज्यादा स्विंग होगी और इस तरह की कंडीशन आमतौर पर न्यूजीलैंड में देखी जाती है। ऐसे में भारतीय क्रिकेट टीम को इस कंडीशन में ढलने के लिए टाइम लग सकता है और फाइनल का मुकाबला एक ही है। ऐसे में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी बताया जा रहा है और इंग्लैंड को हराते ही न्यूजीलैंड टेस्ट की नंबर 1 टीम बन गई है। फाइनल से ठीक पहले भारत के लिए झटका हो सकता है। बीच पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन अपनी टीम की हार से खिसकियाए नजर आए। उन्होंने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भारत की हार की भी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने ट्वीट किया, न्यूजीलैंड एक उच्च स्तरीय टीम है जिन्होंने बल्ले से हालात को बखूबी पढ़ा है, गेंद से प्रभावी रहे हैं, कैचिंग भी जबरदस्त रही है। अगले हफ्ते उन्हें भारत को फाइनल में हराने की कल्पना कर रहा हूं। वैसे ही कोई पहला मौका नहीं है जब माइकल वॉन ने भारत के खिलाफ जहर उगला हो। इससे पहले भी साल के शुरुआत में इंग्लिश टीम जब भारतीय दौरे पर शर्मनाक हार झेलनी पड़ी थी तब उन्होंने पिच पर सवाल उठाए और इतना ही नहीं भारत की ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 0-4 से कोहली एंड कंपनी के हारने की भविष्यवाणी करी थी जो पूरी तरह से गलत साबित हुई है। कहीं भारत के लिए अच्छे पॉइंट ये भी हैं कि माइकल वॉन जो भी कहते हैं उसका उलटफेर होता है। माइकल वॉन ने कहा अगर भारत हारेगी तो भारत की जीत तय है। क्या आप भी ऐसा ही मानते हैं? नीचे कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा।